इमरान खान के शपथ से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को एक और झटका दे दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान की रक्षा मदद में जबरदस्त कटौती की है। अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तान की रक्षा मदद में कटौती कर इसे $150 मिलियन यानी 1,028 करोड़ रुपए करने के लिए बिल पास कर दिया है। अब इस बिल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ दिनों से द्विपक्षीय रिश्तों में तनाव होने की खबरें आ रही थी। इन्हीं खबरों के बीच अब अमेरिका ने रक्षा मदद में कटौती करने का बड़ा निर्णय लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तान को दी जाने वाली रक्षा मदद को $750 मिलियन से घटाकर $716 मिलियन के रक्षा प्राधिकरण बिल को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से अमेरिका पाकिस्तान को रक्षा मदद देता है। साल की शुरुआत में ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका लगातार पाकिस्तान की मदद करता आ रहा है, लेकिन बदले में उसे केवल झूठ ही मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में आतंकियों के खिलाफ अमेरिका के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन में पाकिस्तान एक क्षेत्रीय सहयोगी के रूप में अहम भूमिका निभा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अमेरिका हर साल रक्षा मदद देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो भारत तक को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।